एरे के अंदर में, जब एरे यूज कर रहे हैं तो एरे के अंदर में ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने यहाँ इक्वल किया, कर्ली ब्रैकेट किया, 1, 2, 3, 4, 5 लिख के आप एंटर मारोगे तो हमारे लेटेस्ट वर्जन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन पुराने वर्जन में आपको क्या करना होगा, 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इक्वल, फिर कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 और फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर एंटर नहीं मारना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जी हाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तब जाके अलग, बस यही फर्क है। ठीक है, अब चलिए हम लास्ट क्लास में लूपिंग के बारे में जाने थे, आज हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में कि कंडीशंस कैसे यूज की जा सकती है, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेम देते हैं कि पूजा, हमने नेम दिया, अब यहाँ पे नेम क्या है, कई बार रिपीटेड है, तो याद होगा मैंने टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर जो मैंने एरे दिए, एरे का भी यूज किया जा सकता है लुकअप करने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास डेटा है जो कि आप देख पा रहे हैं, अब मुझे इस डेटा, जो आपको डेटा दिख रहा है, इस डेटा में यहाँ जैसे मैं यहाँ पे अगर पूजा डालता हूँ तो पूजा का सर आ जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लिया और हमने डिलिमिटर दिया कॉमा, फिर हमने ब्लैंक को ट्रू किया। अब यहाँ देखिए इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ, अब जनरली इफ में तो हम एक सेल लेते हैं ना, बट एरे के केसेस में हम पूरी पूरी डेटा ले लिए कि इफ अगर ए इक्वल टू पूजा है तो इस डेटा को ले, अदरवाइज ब्लैंक कर, एंटर प्रेस करने पे आप देखिए रिजल्ट आ गया सर। तो इफ कैसे काम किया इसके बारे में जानते हैं एक बार। तो कैलकुलेट फॉर्म एबुलेट फॉर्मूला में आप जाते हैं, तो सबसे पहले क्या चला, सबसे पहले कंडीशन में जहां जहां पूजा है वहां वहां मैच किया, जहां जहां पूजा मैच हो गया यहाँ वहां ट्रू आ गया, देख रहे हैं ट्रू, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां इफ ने क्या किया, नंबर्स डाल दिया, और जहां जहां ट्रू नहीं है, फॉल्स था, वहां वहां पे क्या डाल दिया, ब्लैंक्स, वहां पे क्या डाल दिया सर, ब्लैंक्स, ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे एवलेट किए, देखिए आपके सामने रिजल्ट आया, ये भी एरे का ही उपयोग करता है। अब इसमें और ज्यादा अभी अंदर चलते हैं, चलिए बताते हैं आपको। अब मान लीजिए कि याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स है, मुझे इसको सम, ठीक है, नंबर नहीं तो छोटे मोटे चीज है, बात करते हैं आगे। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है और मुझे इसमें से जो है सिर्फ यूनिक वैल्यू का सम निकालना, ठीक है। कुछ ऐसे डेटा है जिसमें से मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू का ही सम लेना है, तो ये नंबर आ गया। अब इसमें नंबर हो सकते हैं कोई यार नंबर रिपीटेड है, तो मुझे जो नंबर सिर्फ एक बार है ना उसका टोटल चाहिए, तो टोटल में हम सम लिखेंगे, सम में देंगे इफ, इफ में देंगे काउंट इफ, देखिए काउंट इफ में हमने इसको लिया और कॉमा करके इसी को सिलेक्ट कर लिया वापस, और मैंने बोला कि काउंट इफ का रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है तो ए नंबर्स आए, अदरवाइज 0 आए, एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए 1498 आ, अब कैसे आया, चलिए हम बताते हैं आपको फॉर्मूला एवलेट करके। देखिए सबसे पहले काउंट इफ चला और काउंट इफ ने सबका काउंट दिया 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, अब जो जहां जहां एक है ना वहां वहां ट्रू हो गया, और जहां जहां एक नहीं है, दो था, वहां वहां फॉल्स हो गया, और जहां जहां ट्रू था वहां वहां नंबर, और जहां जहां फॉल्स था वहां वहां 0 आ गया, और फिर सारे नंबर्स को सम ने सम कर लिया, जीरो को भी सम कर लिया, जीरो से भी फर्क पड़ता नहीं है, समझे। तो इसका यूज
हम करते हैं। अब एक छोटा सा डेटा पे आपको सही से समझाता हूँ क्या होता है। जैसे नेम है हमारे पास और नेम में हमने यहाँ पे दिया हुआ राइट, और यहाँ पे हमने सेल्स दिया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पूजा का, रवि का और ओम का टोटल चाहिए, समझे? पूजा का, रवि का, ओम का टोटल चाहिए। तो अब यहां पे मैं एक एक करके सम इफ का फॉर्मूला लगा के फिर टोटल करूंगा क्या? लेकिन हम बिल्कुल डायरेक्ट एरे लगा देंगे कि एरे सम और यहाँ इफ। इफ में हमने पूरा को सेलेक्ट किया कि ए बराबर है इन तीनों से। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू को शो कर दो, नहीं तो जीरो को शो कर दो। फिर एंटर प्रेस कीजिए। नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है कि आप यहाँ एक साथ जो है तीन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसमें रीजन बता रहा हूँ कि इसने ट्रू 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 फॉल्स एन ने एन ने ने कर दिया। इसने सिर्फ एक ही को मैच किया, बाकियों को मैच किया ही, ठीक है ना? तो यहाँ पे दो चीजें, या तो आपको पूरा का पूरा रेट लेना पड़ेगा, मतलब कि दोनों बराबर होने चाहिए, या फिर आप कर्ली ब्रैकेट में मैनुअल लिखोगे। कर्ली ब्रैकेट में हमने इसको सेलेक्ट किया, नहीं आप किसी रेफरेंस को नहीं सिलेक्ट कर सकते, जैसे के फोर ऐसे नहीं कर सकते, इन्वर्टर को में देना पड़ेगा। पूजा कॉमा रवि कॉमा और कर्ली ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ऐसा हुआ तो हम इनकी रेफरेंस चाहिए, अदरवाइज अब वर्क करेगा। आ गया सर, देखिए तो इसने सम इफ को 3 बार चलाया और जहां जहां ये तीनों मैच कर रहे थे तो वहां वहां इसे डाल दिया, ठीक है सर? तो इफ का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? इफ का कंसेप्ट यही है कि जब इसको यहाँ कॉपी करते हैं, मतलब कि किसी भी कंडीशंस को मैच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल आपको देते हैं इसी में। अब इस एग्जांपल में मान लीजिए मुझे वी लुकअप लगाना है, तो हम यहाँ पे 30 लिखा और यहाँ पे लगा दिया वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके कॉमा 0 कर दिया। तो सॉरी कॉमा, माफ कीजिएगा, कॉमा 1 कॉमा 0, रिजल्ट एन ने आया, क्योंकि 30 है ही नहीं। हाँ लेकिन 31 है, 29 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका नियरेस्ट दिखे। तो आप बोलेंगे कि यहाँ 0 के जगह पे 1 कर दीजिए, तो 20 ये 21 आ गया। बेसिकली ये स्वैप वाला वर्क तब करता है जब आपका जो जहाँ लुकअप कर रहे हैं वो एक सिक्वेंस में हो, सॉर्टेड फॉर्म में, तब उसका उससे कम वाला दे देता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नियरेस्ट का, नियरेस्ट में कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एक आपके पास 20 है, एक आपके पास 27 है, तो 25 का नियरेस्ट कौन होगा? 27 होगा ना, 20 तो नहीं होगा ना, तो नियरेस्ट ढूंढना है। फिर जब भी आप कुछ इस तरह का काम करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि एरे कैसे लगेगा, अभी एक नया कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एरे कैसे लगाएं, तो पहले आप मैनुअल करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ 31 से माइनस कर देता हूँ, सब रिजल्ट आ गया है। फिर इस माइनस को एबीएस फॉर्मूला से एब्सोल्यूट कर देता हूँ इस तरह से, तो ये सबका डिफरेंस निकल के आ गया क्या सर?
निकल के आ गया ना। उसके बाद मैं यहाँ मिनिमम का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसमें से मिनिमम निकालता हूँ कि मिनिमम क्या है। तो मिनिमम हमारा 1 है, फिर मैच का फॉर्मूला लगा के मिनिमम 1 का रो नंबर पता करता हूँ कि उसका रो नंबर कितना है, 4। देन मैं इंडेक्स फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें से 4 नंबर रो ले लूंगा, ये आ गया 31। ठीक है, अब इसी को आप जो है एरे में करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा मैच दे रहा है ना, तो मैच का फॉर्मूला लगेगा, मैच में लगेगा मिनिमम का फॉर्मूला, और मिनिमम फॉर्मूला में हम क्या करेंगे एवीएस का लगाएंगे, और एवीएस के अंदर में हम ये जो है 30 से माइनस कर देंगे ओवरऑल डेटा को। क्लोज किए, इसको भी क्लोज किए। उसके बाद सेम लुकअप किसमें करना है, एबीएस, और ए यहाँ 30 से माइनस कर दिए पूरे डेटा। ठीक है सर, और यहाँ पे 0 कर देते हैं, रिजल्ट आपके सामने 4 नंबर आ गया। अब इसको इंडेक्स के अंदर डाल दीजिए। तो इफ फॉर्मूला की जगह पे हम मैच का भी इस्तेमाल करते हैं, मैच का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैच भी हमारा इफ की तरह ढूंढ के देता है, समझे। अब चलिए मैच का एक और एग्जांपल समझाता हूं आप। अब जैसे कि ये नाम देख पा रहे हैं, मुझे इसमें से सबसे बड़ा नाम ढूंढना है, मैं एक लिस्ट ऑफ द नेम है, मुझे पता करना है कि इसका सबसे हाईएस्ट नाम किसका है, मतलब सबसे बड़ा लेंथ का नाम किसका है। तो मैनुअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेन का फॉर्मूला देंगे और सबका लेंथ निकालेंगे, और फिर इस लेंथ में हम लेंगे मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्स फॉर्मूला इस सबका मैक्सिमम नंबर देगा, फिर हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, मैच फॉर्मूले में इस 6 का रो नंबर पता करेंगे, फिर इंडेक्स फॉर्मूला को देंगे, और इंडेक्स फॉर्मूला इसमें से सबसे बड़ा नाम ढूंढ के मुझे चौथे नंबर का डेटा दे देगा, कविता हुआ। अब इसी काम को हम देखे करेंगे, क्योंकि फाइनल चेक हमारा मैच दे रहा है, तो हम पहले मैच इंडेक्स में लगाएंगे, मैच लगाएंगे, फिर अरे मैच में वर्क करेगा, इंडेक्स में वर्क नहीं करेगा। तो हम मैच का फॉर्मूला दिए, हमें ढूंढना है क्या है, तो मैक्सिमम में ढूंढना है, मैक्सिमम मैक्सिमम किसके अंदर, तो लेन, और लेन में डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ढूंढना किसके अंदर है, तो वापस हमने लेन लिया, लेन इसको सिलेक्ट किया और कॉमा 0, रिजल्ट आपके सामने आ गया 3। अब इसमें 3 आया क्योंकि हमने हेडिंग को नहीं लिया था, इसमें हमने हेडिंग ले लिया था ऊपर, इसलिए 4 आ रहा है, क्योंकि इसमें यहां से काउंट करना शुरू किया, 3 है, चलो अच्छा है। अब इसको इंडेक्स फॉर्मूला में रख देंगे। अब एक बार देख लीजिए कि काम कैसे कर रहा है, पहले लेन चला, सारा का लेन निकाले जैसे मैनुअली यहां निकला हुआ, फिर इस पे उसने क्या किया मैक्सिमम निकाल लिया 6, फिर इस 6 को इस एरे में ढूंढा, तो 6 पता चला कि तीसरे नंबर पे, तो 3 दे दिया। ठीक है सर, और फिर इंडेक्स के अंदर हम इसको लेते हैं और 3 नंबर को ढूंढ के दे देते हैं रिजल्ट, कविता रहा। तो सबसे हाईएस्ट नेम कविता रहा, कल के डेट में बढ़ जाता है, कैसे ओम प्रकाश हो जाता है, ये देखिए ओम प्रकाश आ गया। ठीक है सर,